हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे सो बच्चों आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड फोर्थ का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर थर्टीन फील्ड्स एंड फैंसीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट एंड प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी थ्री सो बच्चों क्या है एक्टिविटी एक एक्टिविटी है उसमें क्या करना है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ शेप्स की थी रैक्टेंगल्स ट्राइंगल स्केयर जिसमें हमने बाउंड्री बाउंड्री मीन्स पैरामीटर निकाला था सारी साइड्स को ऐड करके तो इसमें कुछ शेप्स हैं जिनकी हमने बाउंड्री की लेंथ पता करनी है हिंट दे रखा है यू कैन यूज़ ए थ्रेड तो ये एक थ्रेड है जिससे इन्होंने शेप बनाई है क्लोज फिगर बनाई है जैसे कि हम कह सकते हैं जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने थ्रेड को ऐसे फिला फिला कर, ऐसे एक फिगर बना दी ठीक है ना ऐसे ही बी पॉइंट में ऐसे ही सी पॉइंट में ऐसे ही डी पर ये कुछ क्लोज फिगर बनी है एक्चुअली uh, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था ट्रैंगल ये रैक्टेंगल स्केयर ये ये वाली शेप नहीं है कुछ वैसे ही क्लोज जो होती हैं uh, कर्व शेप वैसे शेप्स बना रखी हैं तो बच्चों ये जो आ, एक्टिविटी है ये हम ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं ग्राफ पेपर की बुक ऐसी होती है जो आपको हायर स्टैंडर्ड्स में आएंगी इसमें क्या करते होते हैं ग्राफ खींचते होते हैं जैसे कि अब ये देखो इसमें ये स्केयर बॉक्स छोटे चोट छोटे बने हुए हैं ना ध्यान से देखो इसमें ग्राफ को, ये देखो पूरी कॉपी आती है ग्राफ की ये इसमें ग्राफ खींचने होते हैं ये वन सेंटीमीटर जैसे ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर ये देखो कितने छोटे छोटे स्केयर्स बने हुए हैं इसमें हम ग्राफ खींचते हैं तो इसमें हमने इन्होंने ऐसे ही मतलब ए, कुछ ओवल शेप में कुछ ऐसे फिगर बना लिए ऐसे थ्रेड को फैलाते गए फैलाते गए ऐसे सो so, बच्चों जैसे कि हमने यहाँ से थ्रेड को पकड़ा ऐसे ऐसे कुछ शेप्स बना दी तो इसमें कितने स्केयर जो हैं वो फुल फुल आए जैसे देखो ये कंप्लीट स्केयर बन रहे हैं छोट छोटे छोटे स्केयर्स बन रहे हैं ये ग्राफ पेपर में तो ये हमने इसमें काउंट करने हैं तो बच्चों ये एक प्रोजेक्ट से भी समझ सकते हो जैसे कि ये एक वुडन पीस है ये देखो ध्यान से देखो ये हम जैसे कोई प्रोजेक्ट होते हैं ना वैसे कर सकते हैं ये वुडन पीस है इसमें मैंने नेल्स हैमर से क्या कर रखी है? हैमर से लगा रखी हैं इसमें ये देखो जो इनमें डिस्टेंस है ये देखो अगर इनको हम मिलाते हैं ये क्या बनते हैं बॉक्स बनते हैं स्केयर बॉक्स तो ये एक क्या है थ्रेड है अब ये देखो ये में इसका एक एंड पॉइंट है इधर से इसका एक एंड पॉइंट है तो हम जैसे इधर से शुरू किया तो हम कोई भी शेप बना सकते हैं ये देखो ये इस तरह तो ऐसे शेप बन गई ठीक है ना मैंने क्या किया वुडन पीस लिया उस पर नेल्स लगा रखी हैं जो कि एक कारपेंटर के पास होती हैं तो ऐसे थ्रेड से मैंने कोई भी शेप बना ली क्लॉथ फिगर और क्या बना सकते हो आप छोटा सा स्केयर भी बना सकते हो अपने तरीके से ये देखो ये रेक्टेंगुलर शेप हो गई जैसे ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और क्या बना सकते हो ये देखो अब हम स्मॉल सा स्केयर बनाते हैं ये देखो जैसे ये है ना छोटे छोटे हम स्केयर बना सकते हैं अब ये देखो एक और स्केयर बन गया जैसे ऐसे ग्राफ पेपर में आपके ऐसे ही बने हुए हैं ना ये देखो तीन तीन स्केयर तो आपने ऐसे बनाने हैं आगे देखो तो बच्चों ये कुछ क्या है आपके पास शेप्स हैं ए बी सी डी तो देखो इसमें क्या करना है नाव काउंड शेप्स नाउ काउंट द स्केयर्स टू फाइंड आउट तो मैंने आपको बताया ना ये छोटे छोटे क्या है स्केयर हैं ग्राफ पेपर भी दिखाया आपको तो इसमें हमने हर एक जो शेप बनाई है आपने चार शेप उसमें स्केयर्स फाइंड आउट करने हैं उनको काउंट करना है तो फर्स्ट क्या है हाउ मेनी स्केयर्स आर देयर इन ईच शेप हर एक शेप में स्केयर्स काउंट करो तो देखो कंप्लीट कौन सा हो रहा है ये कंप्लीट नहीं हो रहा ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है ये भी देखो यहाँ से कंप्लीट नहीं है ये तो बिल्कुल ही थोड़ थोड़े थोड़े हैं ये भी देखो बिल्कुल ज़रा से है ये भी सिर्फ जो ये है ये क्या है पूरा स्केयर बनता है देखो कंप्लीट तो इसमें कितने हुए ए शेप में वन आगे देखो टू बी वाली शेप में बी शेप में देखो पूरे स्केयर कौन से बन रहे हैं ये वाला भी थोड़ा सा हल्का सा है जो पूरा स्केयर नहीं बनने दे रहा इसको ये वाला भी अब ये देखो इसमें एक तो ये स्केयर पूरा बन रहा है ये वाला जिसमें बी पॉइंट लिखकर के आए और इसके साथ वाला ये फुल स्केयर बन रहे हैं आगे ये भी स्केयर नहीं बन रहा पूरा ये भी नहीं बन रहा ये भी नहीं ये भी नहीं तो इसमें कितने बने टू आगे सी शेप में देखो इसमें कितने बन रहे हैं ये भी नहीं बन रहा ये भी नहीं ये भी नहीं अब एक तो ये बन रहा है सी के साथ वाला पूरा स्केयर और एक ये सी वाला बन रहा है और इसके साथ वाला ठीक है ना ये नीचे वाले भी नहीं बन रहे तो इसमें कितने बने थ्री आगे देखो डी पॉइंट में डी पॉइंट में क्या है ये फर्स्ट ये यहाँ से इसकी वजह से इसका पूरा स्केयर नहीं बन रहा ये भी नहीं बन रहा ये भी नहीं एक तो ये स्केयर बन रहा है क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, पे स्केयर खत्म होता है और ये क्या है दूसरा तो यहाँ पे कितने हुए टू तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे ए में कितने हैं स्केयर वन बी में कितने हैं टू सी में कितने हैं थ्री और डी में कितने हैं टू आगे देखो सेकंड पॉइंट में ब्रिज शेप कवर लीस्ट नंबर ऑफ स्केयर लीस्ट मीन्स कम से कम कम से कम कौन सी शेप में स्केयर्स काउंट हो रहे हैं तो देखो वन टू थ्री टू तो सबसे कम किस में है ए तो कौन सी शेप लिखोगे यहाँ पे जो सबसे कम है शेप ए आगे देखो विच शेप कवर द मोस्ट नंबर ऑफ स्केर मोस्ट मीन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा किस में है सी शेप में तो आंसर क्या आएगा शेप सी आएगा ठीक है आगे देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा ए के ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड अब आपने क्या करना है एक ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड लेना है आपने स्केल से इसको मेजर कर लेना है कि ट्वेंटी सेंटीमीटर है मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग द एंड्स जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया उसमें वुडन पीस पे ऐसे आपने ज्वाइंस करना है कुछ शेप्स बनानी है देखो आपसे कैसी शेप्स बनती हैं प्लेस ऑन द स्केयर शीट तो आपने एक स्केयर शीट पे रखना है ऑन द नेक्स्ट पेज आगे नेक्स्ट पेज में तो आप बच्चों अपनी नोटबुक में एक ग्राफ पेपर भी लेख सकते हो तो आपने इसमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्केयर आर देयर इन ईच शेप जैसे कि इसमें चार शेप थी कि कितने कितने स्केयर हैं और विच इज़ द बिगेस्ट शेप तो आप में से उस थ्रेड से आपसे सबसे बड़ी शेप किससे बनी कौन सी शेप बनी ए बी सी डी और सबसे स्मॉलर सबसे छोटी कौन सी बनी हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप और आपने हर एक शेप की बाउंड्री पता करनी है मीन्स उनका पैरामीटर पता करना है तो बच्चों जैसे कि इन्होंने थ्रेड कहा है हम ये ग्राफ पेपर पे अभी आप वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते तो ये देखो ये ग्राफ पेपर है इसमें छोटे छोटे स्केयर हैं इसमें हमने स्केयर ही गिनने हैं तो जैसे आपने यहाँ से शुरू किया तो आप कोई भी शेप बना सकते हो ऐसे क्लोज फिगर में तो अब आपने इसमें देखना है कि इसमें कौन कौन से स्केयर बिल्कुल कंप्लीट आ रहे हैं एक तो ये स्केयर आ रहा है एक ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें कितने स्केयर हुए सिक्स ऐसे ही कोई और शेप भी बना सकते हो आप स्केयर शेप में भी बना सकते हो ये देखो स्केयर शेप में ये देखो इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं आप इसमें भी सिंपल बना सकते हो जा कोई वैसे भी जैसे थ्रेड को यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ख़त्म कर दिया ये शेप बना सकते हो तो इसमें स्केयर गिनोगे अब ये देखो जैसे और कोई शेप बना लो जैसे ये शेप बना ली अब इसमें देखो ये हमारा स्केयर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ तो इसमें कितने हुए ट्वेल्व स्केयर अब ये देखो इसमें कंप्लीट कौन सी है ये तो कंप्लीट है नहीं ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स इसमें कितने हुए सिक्स आगे देखो ये लास्ट शेप में कौन कौन से ये वाला कंप्लीट नहीं हो रहा ये भी थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो रहा ये वाला पूरा कंप्लीट है वन ये टू ये थ्री ये फोर और ये इसके नीचे वाला फाइव सिक्स ये कंप्लीट नहीं हो रहा सेवन तो इसमें कितने हुए टोटल सेवन और ये एट इसमें टोटल एट हुए तो अब सबसे बड़ी शेप कौन सी है बिगेस्ट शेप आपको कौन सी लग रही है सबसे तो आपने वो वाली शेप लिखनी है तो बच्चों सबसे बिगेस्ट तो कौन सी हुई ट्वेल्व वाली क्योंकि इसमें ही ट्वेल्व स्क्वेयर बन रहे हैं तो कौन सी हुई इसको ए लिख लो इसको बी इसको सी डी तो क्या लिखेंगे बी इज द बिगेस्ट शेप आपने ऐसा ही ग्राफ पेपर ले लेना है और उसमें ड्रॉ करना है आगे देखो सेकंड में सेकंड में क्या करना है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सी है सबसे ये दो हैं तो हम क्या लिख देंगे ए और सी क्या है स्मॉलेस्ट हैं ए सी और क्या है दोनों क्योंकि दोनों इक्वल है ना स्मॉलेस्ट शेप्स दो स्मॉलेस्ट शेप्स हैं आगे बताओ हाउ लॉन्ग इज अ बाउंड्री ऑफ ईच शेप और हर एक की बाउंड्री एक शेप की क्या लिखनी है बाउंड्री तो ए की कितनी है सिक्स बी की कितनी है ट्वेल्व सी की कितनी है सिक्स और डी की कितनी है एट ये हमने बाउंड्री लिख दी थर्ड पॉइंट हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक वाई ज्वाइनिंग टू स्केयर्स तो अब हमने डिफरेंट शेप्स बनानी है दो स्केयर्स को ज्वाइन करके तो हमें पता है ना स्केयर क्या होते हैं जिनकी चारों साइड्स क्या हो फोर साइड्स होती हैं और चारों साइड्स ही क्या होती हैं इक्वल देखो अभी इन्होंने इसमें आपको ग्राफ पेपर दिखा रखा है इसमें ये छोटे छोटे स्मॉल स्केयर है ना इनकी सबकी क्या है लेंथ तो सेम है तो ड्रॉ देम ऑन द स्केयर शीट गिवन बिलो जो आपको शीट दे रखी है गिवन बिलो नीचे दे रखी है उसमें ड्रॉ करने हैं आपने टू स्केयर्स हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप और उनकी बाउंड्री पता करनी है तो बाउंड्री में हम क्या करते थे सारी साइड्स को क्या करते थे टोटल करते थे ऐड करते थे अब हमने टू स्केयर रखे हैं इन्होंने एक करके दिखा रखा है कि एक स्केल को हमने इस तरह लिख लिया एक को इसमें अब हम इसकी बाउंड्री ये वन है ये भी वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसकी कितनी हुई एट और हम टू स्केयर्स को कैसे रख सकते हैं ये देखो ये वन दोनों को हम ऐसे भी रख सकते हैं अब बाउंड्री क्या होती है बाउंड्री क्या होती है जो बाहर का एरिया होता है अब इसमें ये वन हो गई ये वन ये वन और ये तो बीच में आई ये बाउंड्री तो नहीं हुई ना ये हुई बाउंड्री वन 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 तो इसका बाउंड्री का क्या हुआ इसका पैरामीटर क्या हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई सिक्स और हम टू स्केयर्स को कैसे लिख सकते हैं जैसे कि इन्होंने ये इधर को रखा ना एक हम दोनों को स्टैंडिंग लाइन में ले सकते हैं एक इधर एक इधर ऐसे ऐसे भी रख सकते हैं दो स्केयर्स को अब ये देखो ये बाउंड्री होगी ये भी बाउंड्री ये भी ये भी ये भी ये हम बीच वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरी बाउंड्री हुई ना ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसकी भी कितनी हुई सिक्स हुई और कैसे रख सकते हैं जैसे कि इन्होंने ये रखर किया एक इधर इधर एक इदर. ये इदर रखर किया को हम को रख लेते हैं ठीक है ना ये भी एक डिजाइन हो गया अब इसमें भी कितनी होएगी देखो ये वन, ये वन, ये वन, ये भी वन ये भी वन इसमें वही एट एट होंगी क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है बाउंड्री तो इसकी कितनी हुई एट तो ये हमने दो को जोड़ के कुछ शेप्स बनाई हैं और उनकी बाउंड्री पैरामीटर पता किया है आगे देखो क्या है ट्राई दिस एक्टिविटी विथ थ्री स्केयर्स ऑल्सो अब हमने तीन तीन स्केयर्स की करनी है तो आप इसी ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हो या आप अलग से ग्राफ पेपर अब तीन की कैसे करनी है जैसे कि इन्होंने दिखाया था तीनों पहले क्या ले लो ऐसे स्लीपिंग लाइन में ले लो ठीक है अभी इनकी बाउंड्री पता करते हैं ये देखो तीन लिए वन इसकी वन 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 अब ये दो बीच वाली नहीं लेंगे क्योंकि ये बाउंड्री नहीं है ना बाउंड्री क्या होती है बाहर वाली ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका बाउंड्री क्या हुआ एट अगर हम इसको ऐसे स्टैंडिंग में लेते हैं तीनों को ठीक है ये शेप होगी अब इसकी देखो ये भी वन ये भी वन ये भी वन ये वन ये वन ये, ये ये. इसकी भी हम दोनों बीच की नहीं लेंगे ये बाउंड्री नहीं अब देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसकी भी बाउंड्री कितनी हुई एट और एक हम कैसे रखेंगे दो को हमने ऐसे रख लिया एक को यहाँ पे रख लिया ये डिजाइन हो गया अब इसका भी बाउंड्री का पता करो देखो, वान, वान, ये देखो वन वन ये बीच की नहीं लेंगे ना ये वन अब एक इसकी ये ऊपर की एक ये इसकी सात की ये, ये तो लग गया, इसकी तो चार ही होएंगी इसकी कितनी कितनी होंगी? तीन देखो वन टू थ्री वन टू थ्री तो थ्री थ्री कितना हो गया सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो इसकी बाउंड्री कितनी हुई टेन ऐसे ही अब हम कोई और डिज़ाइन ले लेते हैं अब क्या करेंगे दो स्टैंडिंग लाइन में ले लेते हैं एक इधर को ले लेते हैं ठीक है ना अब इसकी बाउंड्री कैसे भी आप डिज़ाइन बना सकते हो अब ये देखो वन ये भी वन ये भी वन ये नहीं लेंगे ना क्योंकि बीच की है ये वन ये वन और ये बीच में नहीं लेंगे ये भी वन ये भी वन और ये भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसकी कितनी हुई एट और कैसे ले सकते हैं तीनों ऐसे ले लो ये देखो एक दो ये तीन ऐसे भी ले सकते हैं ये भी एक शेप हो गई अब ये वन ये भी वन ये भी वन ये भी वन ये वन ये भी वन ये भी वन और ये भी ये भी वन ये भी वन ये भी इसके तो सबकी कितनी कितनी हुई चार चार क्योंकि अलग अलग है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व तो इसके कितने हुए ट्वेल्व तो आप ऐसे शेप से कितने भी डिज़ाइन बना सकते हो प्रैक्टिस टाइम अब क्या है ए स्केयर हैज़ ए बाउंड्री ऑफ ट्वेल्व सेंटीमीटर एक दे रखा है जिसकी बाउंड्री यानी कि सारी साइड्स कितने के इक्वल है ट्वेल्व सेंटीमीटर की देखो थ्री को हम चार बार ऐड करते हैं थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो ट्वेल्व आता है ये ए शेप का अगर कहते हैं फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस शेप दिस स्केयर तो अगर कॉर्नर में से हम एक जैसे इन्होंने कट करके दिखा रखा है बी वाली डायग्राम में वन सेंटीमीटर इज कट ऑफ वन वन सेंटीमीटर काट दिया विल द बाउंड्री ऑफ बी तो बताओ जो बी की बाउंड्री है वो ए से लेस होगी या मोर होगी फाइंड इट्स लेंथ तो हमने इसकी बाउंड्री पता करनी है तो बच्चों ये देखो ये तो पूरी साइड है थ्री ये भी पूरी साइड है थ्री अब इसमें वन वन सेंटीमीटर कट हुआ है तो ये रहेगी टू और ये रहेगी टू ये तो ख़त्म ही हो गया ये पूरा वन वन है अब इसमें ये पूरी थ्री थी और ये कितना कट हुआ वन तो टू रहेगी इधर भी टू रहेगी और ये कितनी है वन और ये वन हमने सिर्फ ये वाली बी शेप का पता करना है ये जो इसमें ये तो कट ही कर दिया इन्होंने अब इसका देखो थ्री थ्री कितना हुआ सिक्स सिक्स और टू एट एट और वन नाइन टेन और टू ट्वेल्व तो ये तो इक्वली हुआ यानी कि ए और बी की क्या है दोनों की बाउंड्री इक्वल है आगे देखो इफ यू कट ए वन सेंटीमीटर केयर टू गेट शेप सी अगर हम ए में से अगर ऐसे इस तरह से कट कर देते हैं बीच में तो हमें कौन सी शेप प्राप्त होती है सी यानी कि ये इन्होंने हटा दिया इधर से जैसे ये वन सेंटीमीटर तो ये बताओ कि अब सी की बाउंड्री कितनी आएगी ये तो हमारी ट्वेल्व भी हुई अब ये देखो ये पूरी थ्री है ये भी पूरी थ्री है और ये भी पूरी थ्री है नाइन तो यही होगी और ये कितनी है वन ये भी कितनी है वन और ये भी कितनी है वन 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 तो आप ऐसे लिख के क्या करोगे देखो थ्री सिक्स नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तो इसकी बाउंड्री कितनी आई फोर्टीन तो सी की बाउंड्री क्या हो गई सी द बाउंड्री ऑफ सी हम क्या लिखेंगे बाउंड्री ऑफ सी इज मोर देन ए तो आपको समझ आया ना बच्चों मैंने बिल्कुल करके दिखा दिया ये वन वन है क्योंकि वन वन सेंटीमीटर कट हुआ था ये भी वन सेंटीमीटर तो हमने इनको सारी साइड्स को क्या कर लिया ऐड कर लिया तो ये हमारी कितनी बनी सी की फोर्टीन सेंटीमीटर आगे देखो सेकंड में सेकंड ए में क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ स्केयर डी अब डी की देर की है हर एक साइड कितने की है फाइव फाइव सेंटीमीटर की हम देखो बी पार्ट में क्या कह रहे हैं कहते एट स्केयर्स ऑफ साइड वन सेंटीमीटर और कट ऑफ द स्केयर डी आठ स्केयर्स काट दिए इधर से इधर से ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट छोटे छोटे आठ स्केयर्स काट दिए और हर एक की साइड कितनी है वन तो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ शेप ई तो ई e में जो बची ई e की कौन सी बची अब ये ये बच्ची साइड ये देखो अब इसको बड़े ध्यान से आपने करना है ये तो कितनी हुई फाइव फोर का कितना हो गया ट्वेंटी हो गई ठीक है ना क्योंकि फाइव फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी अब हमने ये करना है अब ये देखो हमने डी शेप में आठ स्केयर कट कर दिए अब हमें ई e शेप प्राप्त हुई तो हमने इसकी क्या करनी है बाउंड्री पता करनी है तो बच्चों ये देखो वन टू थ्री फोर ये चार तो स्केयर ही हो गए और हरेक साइड्स क्या है इसकी इक्वल इक्वल चार इसमें हो गए चार इसमें एट ट्वेल्व सिक्सटीन तो ये तो सिक्सटीन हो गया अब हमने आगे क्या क्या करने हैं ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं अगर हम One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. तो देखो बच्चों यहाँ तक ये ई शेप में कितने हो गए ट्वेंटी और ये जो स्केयर हैं ये देखो ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर चार चार हो गए ना ट्वेंटी फोर और फिर ये भी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स तो टोटल तो कितनी हुई ई शेप्स की बाउंड्री थर्टी सिक्स क्योंकि ये पूरा तो टोटल ट्वेंटी था अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो ये ट्वेंटी है पर ये जो पूरा ये देखो अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर देते हैं ये ट्वेंटी था ना पर इन्होंने ये स्केयर कट कर दिए देखो ये जो ऐसे इसमें एट एट स्केयर कट किए थे ना वन टू थ्री फोर तो ट्वेंटी और ये सिक्सटी जो हमने काउंट करे थे तो ट्वेंटी प्लस सिक्सटी कितना हुआ टोटल थर्टी सिक्स यानी कि ई शेप की जो बाउंड्री है बी तो कितनी आई थर्टी सिक्स आई तो देखो सी पार्ट में क्या है द बाउंड्री ऑफ दिस शेप तो हमने मैंने आपको बताया था ना जो ग्राफ पेपर होता है उसमें स्केयर सारे वन वन सेंटीमीटर होते हैं चार साइड है तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना हुआ वन टू थ्री फोर तो कितनी हुई ये छोटे से स्क्वायर की फोर सेंटीमीटर बाउंड्री आगे देखो कैन वी ऑल्सो से क्या हम ये भी कह सकते हैं बाउंड्री फोर मल्टीप्लिकेशन वन तो कितना होता है फोर मल्टीप्लिकेशन वन फोर सेंटीमीटर बच्चों ये एक फार्मूला होता है जो बाउंड्री का फोर इंटू साइड होता है ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है जो आपको आगे आएगा और जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड तो इन्होंने इस मेथड से करा है फोर इंटू साइड साइड कितनी है वन सेंटीमीटर तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ए हॉकी फील्ड इज नाइन्टी वन मीटर फोर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग एक हॉकी का फील्ड है जो इतने मीटर लॉन्ग है और वाइड चौड़ाई इतनी है फिफ्टी फाइव मीटर हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ दी फील्ड हमने इस फील्ड की क्या करनी है बाउंड्री पता करनी है मीन्स जो बाहर का हिस्सा है जैसे कि हॉकी फील्ड हमने ये ले लिया ठीक है इसमें जो ये है ऑपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होंगी यानी कि ये कितनी होंगी नाइन्टी मी नाइन्टी वन मीटर फोर्टी सेंटीमीटर और ये वाइड 55 ये भी 55 मीटर ये भी 55 मीटर और ये कितनी है 91 40 सेंटीमीटर तो हम इसका क्या करेंगे सारी साइड्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो बच्चों जो आपको है ना बाद में तो ये फार्मूला आएगा टू मल्टीपिकेशन लेंथ प्लस ब्रेथ ये आपको हाई स्टैंडर्ड में आएगा क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे 91 मीटर 40 सेंटीमीटर फिफ्टी फाइव ये टू क्यों लगाया है क्योंकि ये टू टू बार है ये भी टू साइड्स है ये देखो दो बार तभी इसके क्या है फॉर्मूला इस तरह टू लगाया है पर अब आपको क्या है ये फार्मूला आता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे देखो एक तरफ जब हम मीटर सेंटीमीटर में क्योंकि ये मीटर में भी है और सेंटीमीटर में तो हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं नाइन्टी मीटर और क्या है फोटी सेंटीमीटर और क्या है नाइन्टी मीटर फोर्टी सेंटीमीटर क्योंकि दो बार करेंगे ना टू साइड्स हैं और इसमें कितना है फिफ्टी फाइव इसको भी दो बार करेंगे फिफ्टी फाइव और यहाँ पे क्या लिख लेंगे जीरो जीरो सेंटीमीटर तो हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ये देखो जीरो फोर फोर कितना हुआ एट यानी कि एट्टी सेंटीमीटर हो गया अब ये देखो वन वन टू टू और फाइव सेवन सेवन और फाइव ट्वेल्व तो कितना हुआ बच्चों ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व का टू वन यहाँ पे स्मॉल कैरी में नाइन और वन टेन टेन और नाइन नाइनटी नाइनटीन और फाइव नाइनटीन और फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव, टू हंड्रेड नाइनटी टू मीटर और 80 सेंटीमीटर ये हमारा क्या आ गया आंसर जहाँ आप क्या कर सकते हो इनके मीटर के क्या बना सकते हो सेंटीमीटर जैसे कि मैंने आपको लास्ट सम में करके दिखाया था तो हमें पता है वन मीटर में कितने होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर तो 91 मीटर है 91 मीटर को किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा 99,100 सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर में हो गए फिर इसको दो बार ऐड कर लेंगे 90, ये दो बार हो गया ना और ये कितना है पचपन पचपन मीटर के भी क्या बना लेंगे हम अगे, अगे क्या है फोर्टी सेंटीमीटर यानी कि बीच में नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड और इसमें फोर्टी सेंटीमीटर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ये दो बार ऐड कर लेंगे और साथ में 55 मीटर तो बच्चों आप ऐसे कॉलम बना लो मीटर और सेंटीमीटर एक तरफ क्या लिखोगे मीटर और एक तरफ क्या लिखोगे सेंटीमीटर तो ये हमारा आंसर आ गया ये ज्यादा बेस्ट तरीका है ये आपको आगे आएगा जबकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने का ठीक है उषा एंड बालसामा आर रनिंग रेस उषा और बालसामा एक रेस कर रहे हैं उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल जो उषा है वो अंदर वाले सर्कल में रेस कर रही है और जो बाल सामा है आउटर सर्कल ये वाला आउटर सर्कल जो बाहर का होता है तो बच्चों एक देखो इनका क्या है इनका एंड पॉइंट भी सेम है और स्टार्ट पॉइंट भी सेम है यानी कि दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट हो रहे हैं और उनका जो रेस का एंड पॉइंट है वो भी सेम है अब ये देखो जो इनर का कई बाउंड्री होगी जो स्मॉल चीज़ होगी उसकी बाउंड्री क्या होगी कम होगी तो ये तो जो ऊषा है वो तो क्या करेगी जल्दी पहुंच जाएगी और जो बाल सामा है उसकी जो आउटर सर्कल है वो क्या है बड़ा है बिग है सर्कल तो उसकी बाउंड्री क्या हो गई ज़्यादा चाहे वो तेज भाग जाए फिर भी क्या करेगी ऊषा ही पहले पहुंचेगी क्योंकि उसकी बाउंड्री क्या है कम है तो ऐसे तो रेस होती नहीं जब भी आपके स्कूल में रेस होती है तो क्या होता है इक्वल पॉइंट पे होता है जैसे वन टू बच्चों की लगती है या थ्री बच्चों की तो सेम रेस लगाते हैं ना और एक ही एंड पॉइंट होता है सेम डिस्टेंस से तो क्या कह रहे हैं बालसामा रन फास्टर देन उषा जो बालसामा होती है वो ये वाली लड़की उषा से तेज भागती है बट स्टिल शी लूज द रेस फिर भी वो हार जाती है कैन यू गैस क्या आप गैस कर सकते हो वाई तो रीज़न तो यही है जो उषा का सर्कल है वो की उसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी कम होगी क्योंकि उसका क्या है सर्कल स्मॉल सर्कल तो आप क्या लिखोगे बिकॉज द इनर सर्कल जो इनर सर्कल है ना उषा का इनर सर्कल उसकी क्या होगी हैज शॉर्टर बाउंड्री ठीक है ना उसकी बाउंड्री क्या होगी शॉर्ट होगी और जो बालसामा है उसकी क्या होगी एंड जो बालसामा है आउटर सर्कल वो बाहर वाले सर्कल पे है और उसकी बाउंड्री क्या होगी सो ही हैज टू कवर मोर लेंथ मोर लेंथ क्योंकि वो क्या है बिकॉज बालसामा ज लॉन्गर और बाउंड्री क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो क्या है बड़ी है क्योंकि उसका सर्कल भी बड़ा है इसलिए उसकी बाउंड्री भी क्या होगी बड़ी चाहे वो तेज भागे आगे देखो नेक्स्ट डायग्राम में क्या है हैव यू सीन एनी रेस क्या आपने कभी ऐसी रेस देखी है वेयर रनर्स स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे तीन रनर्स दिखा के हैं उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है अलग है लाइक इन द पिक्चर इस पिक्चर में देखो और गैस करो वाई तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे तीन बच्चों की लगती है वो सेम डिस्टेंस पे खड़े होके करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होता है और एंड पॉइंट भी सेम होता है तो ऐसे रेस होती है पर इस पिक में देखो तीन सर्कल दिखा रखे हैं वन टू और ये थ्री तो जो सबसे छोटा सर्कल है ये देखो स्मॉल सर्कल उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है ये एरो लगा रखा है ना ये ध्यान से देखो ध्यान से ये आउटर पॉइंट है और ये जो सेकंड वाले बच्चे का है ये स्टार्ट पॉइंट है और थर्ड वाले बच्चे जो आउटर है बिल्कुल बाहर का सर्कल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है पर तीनों का एंड पॉइंट सेम है ये क्यों है तो देखो जो सबसे स्मॉल सर्कल है उसकी जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी स्मॉल होगी यानी कि छोटी होगी कम होगी लेस होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या रख रखा है इनसे पीछे को रख रखा है इसीलिए पीछे रख रखा है क्योंकि उसकी बाउंड्री का जो एरिया है जो बाउंड्री है उसका पैरामीटर क्या होगा लेस होगा अब सेकेंड वाले का देखो जो फर्स्ट वाले स्मॉल सर्कल से है उससे क्या है थोड़ा सा आगे को रख रखा है क्योंकि उसके उसके में से डिस्टेंस तभी तो कम इन्होंने गैप डाल दिया इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका थोड़ा सा आगे को कर दिया क्योंकि उसका स्मॉल सर्कल था ऐसे ही तीसरे का अब ये देखो फर्स्ट और तीसरे में क्यों मत क्योंकि इसका जो सर्कल है इसकी बाउंड्री क्या होगी थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी तो इन्होंने ये भी एक तरह की गेम हो सकती है जबकि तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अलग अलग है पर एंड पॉइंट क्या है सेम है क्योंकि दो तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है अलग है उनमें कुछ डिस्टेंस रख रख है तो हम इसमें क्या लिखेंगे यस यस आई हैव सीन द रेस कि हाँ ये रेस मैंने देखी है और ये हो भी सकती है ठीक है विच इज ऑर्गेनाइज ये ऑर्गेनाइज कब होती है जब सर्कल में होती है नहीं तो वैसे क्या होती है स्ट्रेट होती है ऑर्गेनाइज इन सच अगर सर्कुलर में हो यानी कि गोल चक्कर में हो तब ये होती है सर्कुलर ट्रैक अगर हम ऐसे सर्कुलर ट्रैक में हो तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं ठीक है बच्चों तो आपने ये इस तरह लिखना है तो बच्चों ये आपको टॉपिक समझ आगे होंगे आज की वीडियो में इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सो बच्चों गुड बाय टेक केयर